और जो भी वहां पर मोमेंट्स रहेंगे, जितने एंजॉय करेंगे, सब आप लोगों के सामने रहेगा। चलिए जी, मिफकिन्स कुवेट टावर के सामने वाटर पार्क है। यार मजा आएगा कि नहीं मजा आएगा देखते हैं। बट क्या करें, अपने को नहाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि की गिर गया है। की में की ढूंढना जरूरी है। की गई अंदर, किसी ने डायरेक्ट जाकर के टुकड़ी देकर के लॉकर ले ली। फिर क्या हुआ? Once again, Moments Rose Car is here. कैसे हो, my dear friends? आप सभी बढ़िया? हम तो अभी फिलहाल बहुत ही बढ़िया, लेकिन इससे पहले कुछ बढ़िया नहीं थे। तो काफ़ी दिनों बाद, मेरे को लगता है 10 या 11 दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो एक बात पूछना चाहूँगा आप लोगों से, दिल से बताइएगा कौन कौन मेरी वीडियोस का वेट करता है। अभी थोड़ा सा लुक में तब्दीली हुई है, ये देख रहे हो ना, मुछुआ हमने बढ़ा ली है। इधर तो बहुत कम आता है, तो अभी फिलहाल तो मुछ ही रख रहे हैं। और अरे यार ये तो कैसा है। चलो तो फिर आज हम लोग चलने वाले हैं कुवैत वाटर पार्क जो है शार्क में। तो यहाँ से अभी हम चलेंगे कुवैत सिटी से टैक्सी पकड़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। फाइनली बहुत इंतजार करने के बाद हमारी बस आ ही गई। इसे आके बस बैठने के बाद अलग ही सुकून मिलता है कसम से। चलिए जी मैं उतर गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ एटीएम पैसे उतारने के लिए। और एक बात, आज हमें हीना दीदी ज्वाइन करने वाली है। चलिए निकाल लिए 10 KD और मेरे पास कैश है, तो 10 KD इनफ है। तो 10 KD निकाल लिया और बस नहीं टैक्सी पकड़ेंगे। एक काम करता हूँ, मैं कुछ खाने के लिए ले लेता हूँ क्योंकि उसके अंदर बहुत ही महंगे महंगे खाने मिलते हैं भाई। तो कुछ भजिया वगैरह ले लेते हैं। ये बना रहा हूँ वीडियो, में वीडियो बना रहा हूँ आप वीडियो। अच्छा। का ये भजिया दे दो और 2 समोसा दे दो। समोसा कितने का है? 50, मतलब कि 30-35 रुपये का हो जाएंगे एक समोसा। और वो दो मिर्ची दे दो ना, 2 ये ले लीजिए। बड़ा वाला बोतल ले लिए। तो फाइनली अब हम निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब पकड़ते हैं टैक्सी, देखते हैं टैक्सी वाला कितना लेता है। मेरे को लगता है 1 KD रूबा या 1 KD नूस लेगा। तो टैक्सी पकड़ते हैं, पूछते हैं और चलते हैं शार्क। ओके, अभी भी कुवैत में कोरोना टेस्ट चल रहा है। तो यहाँ पर मैं खड़ा था तो मेरे को बुलाने लगे, देख रहे हो ना ये लोग जा रहे हैं, ये लोग कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। तो अभी हम टैक्सी का वेट कर रहे हैं, अभी टैक्सी हमें मिला नहीं है। टैक्सी मिलता है तो फिर चलते हैं यहाँ से। टैक्सी दिखा हमें, पूछते हैं भैया शार्क चलोगे क्या? शार्क किधर गया? टावर के पास। कितना लोगे? दिनार रूबा लगता है यार। चलो चलो ले लेना। चल फाइनली काफी दिनों बाद मिल रहे हम लोग। तो ऑलमोस्ट कितना महीना हो गया होगा? 3-4 महीने। 3-4 महीना, वही हम लोग का 360 वाला लास्ट वीडियो था ना। तो आज फिर से मिल रहे हैं यहाँ पर कुवैत सिटी में। ये सालमिया से आई हैं और हम अपने जॉब से डायरेक्ट आए। तो अभी हम लोग शार्क चल रहे हैं, टैक्सी मिल गई है हम लोगों को। तो फिर देखते हैं क्या वाटर पार्क में, क्या नाम है उसका वाटर पार्क का? पहले एक्वा पार्क हुआ करता था, अभी शायद अम्यूजमेंट पार्क करके कुछ है नया। अभी वो बंद था ना काफी दिनों से, क्योंकि एक्वा पार्क था ना जब मैं गई हुआ कुवैत टावर पे। अभी पता नहीं, गूगल पे तो दिखाता है अम्यूजमेंट पार्क। अच्छा, तो देखते हैं चल के वहाँ पर क्या नाम। और जो भी वहाँ पर मोमेंट्स रहेंगे, जितने एंजॉय करेंगे, सब आप लोगों के सामने रहेगा। तो जाने के बाद बताएंगे कि कैसा है, क्या टिकट प्राइस है वगैरह वगैरह सारा कुछ। और इनके चैनल पे अगर विजिट करना चाहते हो तो हीनू के जहाँ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बहुत दिन से मेरे को ना कमेंट आ रहा था कि MF के भाई के साथ जाओ, वीडियो बनाओ, बहुत अच्छा लगता है, तुम दोनों वीडियो बनाते हो बहुत अच्छा लगता है, बहुत एंजॉय करते हैं भाई। भाई बहन का प्यार है, काफी लोग बहुत पसंद भी करते हैं और हमारे गांव में भी इनकी वीडियोस देखते हैं। अरे क्या हुआ, उनका वीडियो आ रहा है, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, क्या हुआ? मैंने बोला ठीक है साथ में एक वीडियो बनाते हैं। तो फिर काफी दिनों बाद आया, ऐसे ही इंशाल्लाह साथ में बनाते रहेंगे जब भी मौका मिले। वैसे अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं आप लोगों से। ओके, बने रहिए ब्लॉग में। चलिए जी मिफकिन्स कुवैत टावर के सामने। आपको याद है ना हम लोग यहाँ पर आकर के ब्लॉग बना चुके हैं। हाँ, यहाँ पर काफी कुवैतियों को बच्चे। यार गेट किधर है? आप लोगों को दिख रहा है क्या? वहाँ पर एक बंदा है जो कि लटक करके काम कर रहा है। बताइए यार क्या ही बात है, रोजी रोटी के लिए इंसान क्या क्या करता है। ये है वाटर पार्क का नाम, 0 बाय रूप
काफी तगड़ी है यार, हम लोग लगता है गलत टाइम पे आ गए। ये है एंट्री गेट और यहाँ पर आप सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा। एंट्री करते हैं, चलिए। यहाँ पर आप आई थिंक टिकट ले सकते हो। फाइनली टिकट हो गया हमारा, तो अंदर आ चुके हम लोग। टिकट है 6KD का, पूरा फिल्मी दुनिया वाला बना दिया गया है। तो ये टिकट को ऐसे क्रैक करके अंदर जाना है। इधर है चेंजिंग रूम जहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। मैं आया था इस ड्रेस में, अभी हमें पहनना है कॉस्ट्यूम, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, मतलब कि मैं टी शर्ट वगैरह लेकर के आया हूँ। तो आई थिंक ये है, और ये देख सकते हो आप वाटर पार्क है। यार मज़ा आएगा कि नहीं मज़ा आएगा देखते हैं। यहाँ पर बॉयज है, आपका काम नहीं है, आप जाइए। थोड़ी देर बैक से चेंज कर लेता हूँ। ओके, ये ड्रेस है तो यही रहेगा, और नीचे का बस वो हाफ पहनूंगा। इधर हमारा वाटर पार्क हमें बुला रहा है, और यहाँ पर आपका मतलब कि रेडी हो गया है, बस वो आ रही है साथ में चलते हैं। तो अभी एक ही लॉकर लेंगे हम लोग, क्योंकि एक लॉकर में काम हो जाएगा, तो दो लॉकर क्या करेंगे। एक लॉकर का प्राइस है 2KD, आपको सिलेडी वगैरह जमा करना पड़ेगा, तो एक ही लॉकर में हम लोग दोनों का काम हो जाएगा। तो बैग रखना है बस और कुछ नहीं, फिर चलना है। तो फाइनली मैं वाटर में जा रहा हूँ। ओहो ओहो ओहो, आ गया भाई आपका बच्चा, आ गया वाटर में। छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा हैं यार यहाँ पे। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, बहुत ही डेंजर है भाई पानी में, अगर फोन गिर गया ना तो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से देखो आप लोग, जा रहा हूँ। यार और बापरे में तो थक गया एक बार में, इसमें से आया मैं, मजा नहीं आया तुमसे, काफी स्ट्रगल करना पड़ा है। तो अभी मैं वो जगह जा रहा हूँ जहाँ पर हम बड़े लोग इंजॉय कर सके। तो ये व्यू मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आराम से ऐसा रिलैक्स कर सकते हो, यहाँ से व्यू भी देख सकते हो। और एक खास बात, इस पूरे स्विमिंग पूल में मेरे को ना यहाँ तक पानी अभी तक कहीं नहीं दिखा, देख रहा हूँ ना यहीं तक पानी है, तो ज़्यादा मतलब गहरा नहीं है, बच्चे डूबने वगैरह का चांस नहीं है यहाँ पर। और साथ ही में यहाँ पर आपको काफ़ी खूबसूरत सा बीच देखने को मिल जाएगा, देख रहा हूँ सी साइड में ये अटैच है पूरा ये वाटर पार्क। यहाँ पर बैठ के आराम से सी साइड का भी व्यू ले सकते हो, और अगर आप चाहो तो उधर से भी अंदर आ सकते हो, लेकिन ये इलीगल है, इधर से ऐसे कभी मत आना। और व्यू देखो यार काफ़ी मस्त लग रहा है। और यहाँ पे हिना दी व्लॉगिंग करते हुए, तो अब मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर। उधर चलते हैं ना, इधर तो बच्चों का जगह है, उधर चलते हैं, उधर काफ़ी गहरा गहरा पानी, मैं पूरा घूम करके आ गया। कहाँ पे, यहाँ पे साइडिंग बस यहीं पे है ना, और कहाँ पे? उधर चलते हैं, उधर गहरा है, उसमें चलेंगे, उसमें मजा आ रहा है। इतना बड़ा मछली है, इसमें जा सकता है कोई भी, बच्चों के लिए ये भी स्लाइडिंग, छोटा सा स्लाइडिंग। और ये वाला बहुत ही डेंजर है यार कसम से, इसमें मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा नीचे आने के लिए, और ऐसा घूम घूम के आ रहा है, काफी डेंजर है। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से आप? दिल्ली से। चलिए हमारे सब्सक्राइबर मिल गए यहाँ पर, और उन्होंने हमें ये दिया, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। इसको अब इंजॉय करते हैं हम। चलिए इसमें चलते हैं वेव वाले में, इससे पहले हम कभी नहीं आए इस वेव वाले में, अभी इंडिया में तो बहुत ही एंजॉय किया हमने। यहाँ से पानी बढ़ता ही जा रहा है, देखो वहाँ लास्ट में चलेंगे एकदम। हेलो, यहाँ तक पानी आ गया है। हेलो जी, अभी पहली बार इस मतलब यहाँ पर इतने पानी में आए। इनको अभी भी अपनी मेकअप की बड़ी है, मेकअप खराब नहीं करना है। वेव चालू होगा तो मजा आएगा,
और यहाँ पे सॉन्ग चल रहा है, कॉपीराइट भी आ सकता है, काफी पब्लिक है यहाँ पे अभी। अभी वेव आए नहीं है, मेरे को लगता है कि आधे घंटे में 20 मिनट्स में वेव आते हैं, तो अभी हम लोग इसी में देखते हैं कब आता है। भाई जो है उधर गए हैं, बहुत काफी दूर निकल गए। एयर होस्टेस को तो स्विमिंग आती है ना, क्या बात कर रही। और यहाँ पर ना आपको बहुत ही कम इंडियंस मिलेंगे, ये बच्चे जितने भी हैं ना सारे कुवैतीस के, और यहाँ पे इंडियंस आपको देखने को बहुत कम मिलेंगे, बहुत ही कम। मजा आया कि नहीं अंदर? आज नहीं देख, चालू हो गया, मजा आया। पब्लिक एक्साइटमेंट लोग में आएगी, देख और पब्लिक आएगी। बहुत ज्यादा मार रहा है, ऐसा सांस मिल रहा है, काला आएगा, काला आएगा। इसका ही वेट कर रहे हैं, पता नहीं कितना मिनट चालू रहेगा, कितना मिनट है पता नहीं। वेव में इतना मजा आ रहा है कसम से, पूछो ही मत। बस ये भी थोड़ा सांस में ले लगे, रील्स बना रही है क्या आप? वाओ, चलिए थोड़ा बच्चों से मस्ती करते हैं। चलिए सुनो, आधा आधा गन गन, आई वांट ट्राई। ये क्या है, ट्राई कीजिए, दीजिए मैं आपके ऊपर मारता हूँ। किधर गया? थैंक यू, व्हाट्स योर नेम? से हाय। तो कुवैती के बच्चे काफी फ्रेंडली होते हैं, तो अब हम लोग इसमें से थोड़ा निकलते हैं, अभी भूख लग गई है। भूख लगी आपको? तो हम लोगों ने बाहर से कुछ लाया तो खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर से इंजॉय करेंगे। यार हम लोगों ने जो लॉकर लिया था, लॉकर का की गिर गया यार, अभी उसमें ही हमारा सब कुछ है, बैग भी है, पर्स भी है, और सारा कुछ उसमें ही है। अभी हम लोग लंच का सोचा कि थोड़ा सा कुछ खा ले, ब्रेकफास्ट कर ले, तो की देख रहा हूँ यार मिल ही नहीं रहा, इसमें देखते हैं यहाँ पर आती हूँ, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आई डोंट नो। इसका भी भीड़ चालू हो गया, बट क्या करें, अपने को नहाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि की गिर गया, की में की ढूंढना ज़रूरी है, पूछते क्या होने वाले क्या। तो फाइनली हमारी की मिल गई, इन्होंने दिया लाके, तो लेकर के आइए बैग, फिर बैठते हैं वहाँ पे। तो फाइनली हम जो लाए थे भजिया समोसा वगैरह मिल कर के खा रहे हैं, और पानी अभी तक ठंडा है हमारा। अभी हम लोगों के साथ क्या हुआ पता है, लेडीज़ का लॉकर अलग है, जेंट्स का लॉकर अलग है, तो इन्होंने बोला मैं लेती हूँ क्योंकि ये जेंट्स में नहीं जा सकती हैं, तो मैंने बोला ठीक है आप ले लो, मेरा सामान आप रख दीजिएगा। तो गई ये अंदर ही लॉकर किसी से ले ली, और यहाँ पर रूल क्या है ना, आपको अगर लॉकर लेना है तो सीलाई जमा करनी पड़ेगी और टुकड़ी देना पड़ेगा। ये गई अंदर किसी से, डायरेक्ट जाकर के टुकड़ी देकर के लॉकर ले ली। फिर क्या हुआ आप बताइए? बोला लॉकर चाहिए, मैंने बोला हाँ लॉकर चाहिए, उसने बोला तू के ले दो, मैंने टुकड़ी उसको दे दिया और उसने मेरे को चाबी दे दी और बताया ये लॉकर है। फिर क्या हुआ अभी? अभी उसके बाद हमारी चाबी जो थी वो खो गई थी, तो जो सिक्योरिटी था उसने हमारी हेल्प की, चाबी पता नहीं किसको कॉल किया, तो चाबी तो मिल गई। सिक्योरिटी मांग रहा था फिर? नहीं, चाबी तो मिल गई। क्या हो गया, जो लॉकर का जो केयर टेकर है ना, उसने देखा मुझे अंदर जाते हुए, तो उसने मुझको बुलाया कि तुम अंदर क्यों जा रही हो, तुम्हारा तो लॉकर नहीं है। मैंने तो लॉकर तुमको नहीं दिया। मैंने बोला मेरा लॉकर है, मेरी चाबी है मेरे पास, तो मेरा लॉकर है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि नहीं इधर देखो, मेरे सिस्टम में तो तुम्हारा नाम नहीं है, तुम्हारे पास चाबी तो नहीं होनी चाहिए, चाबी किधर से आई? मैंने बोला अंदर जो लेडी थी उसने मुझको बोला कि दो केडी दो और चाबी ले लो, मुझे तो प्रोसीजर तो नहीं पता है। फर्स्ट टाइम हम लोग आए, मतलब मैं तो सेकंड टाइम आई हूँ, बट इससे पहले भी ऐसा लॉकर नहीं लिया था हम लोग ने, और पता नहीं याद भी नहीं है कि ऐसा प्रोसीजर था या नहीं। तो कुल मिलाकर के वो फ्रॉड की है वो लेडी। हाँ, वो लेडी जो है कमा रही थी, मतलब हाँ, अंदर। वो उसको पकड़ा गया है अभी, वो मतलब उसके नौकरी भी खतरे में हो सकता है। तो ये जो है ना, ये बहुत ही रिक्वेस्ट किए उनसे जो यहाँ के मतलब देखभाल करते थे ना, उनसे बोली कि प्लीज उनका मतलब उनको निकालिएगा, मत जान दीजिए, गलती होती है। तो बहुत अच्छे दिल की है, तो
कैसे भी मैटर सॉल्व हुआ है, वो बेचारी अभी बोली कि आज के बाद नहीं करूंगी। आप लोग भी अवेयर हो जाओ, आपको लोकर अगर यहाँ पर लेना है तो आपको डायरेक्ट जाना है काउंटर पे, अंदर जाकर के ये मत वहाँ पर जाकर के आपको लॉकर लेना है। अंदर से लेंगे तो वो सही नहीं है, वो उनके जेब में जा रहा है और अगर कुछ हुआ तो आपको मिलेगा नहीं। वो तो हम लोगों को भाई इनके वजह से मिल गया थोड़ा बातचीत कर करके, तो लेडीज़ है तो थोड़ा सा ये बेनिफिट होता है। अगर मैं रहता तो मेरे को तो मिलता ही नहीं, सही नहीं मिलता, क्योंकि भाई हम इलीगल तरीके से लिए हैं, हमारी गलती नहीं है, लेकिन हमको पता भी नहीं था। हाँ तो ये आपको कर रहा है, डायरेक्ट काउंटर से लेना है, ओके ये याद रखिएगा आप लोग। बाकी मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में, अभी डायरेक्ट उसमें चलते हैं। अभी भी बच्चे यहाँ पर इंजॉय कर ही रहे हैं अपना धूमधाम से एकदम पूरी फैमिली यहाँ पर मिलेगी आपको। गाँव का बारिश है ना, गाँव का बारिश है। तो यहाँ पर जो प्राइस है ना 6 KD, आपको इंडियन मनी के हिसाब से मैं बता दूँ 1608 रुपये होते हैं। तो यहाँ पे 1600 कुछ महंगा नहीं है, सही है, इधर से चलेगा। तो इंडियन मनी 1600 रुपये है टिकट, कुवैत का 6 KD, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है। वैसे आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पर जो भी टूरिस्ट प्लेस है ना, टूर प्लेस जो कि यहाँ पे म्यूज़ियम का बात करें, वापस से चालू हो गया चलते जल्दी, तो बहुत महंगा है। क्यों महंगा है ना टूरिस्ट के लिए? लेकिन वैसे यहाँ पे जो प्लेसेस महंगा है, बहुत महंगा है। चलते भैया, हाँ किधर से जाना है, चलिए फिर से एक बार वापस से उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में पहले थे, इसमें मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी आधा घंटा और इस पर रहेंगे फिर निकलेंगे इसमें से। आप भी जा रहे हो ब्लॉग में, बोलो। हाय कर दो, हाय। सो नफकेंस, ये है हिनादी का बेटा जो कि मुंबई से है, तो ये मुंबई से अभी हमें देख रहा है। थैंक यू। इनका बेटा है। चलो तुम भी ब्लॉग में आ गए, ओके। ये देखिए छोटा स्पाइडरमैन, हेलो बेबी, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम, स्पाइडरमैन। छोटा बच्चा है। चलिए हम लोग बहुत बहुत इंजॉय किए साथ में मिल करके। तो अभी मुझे लगता है कितना घंटा हो गया हम लोग आ करके, 4 बजे यहाँ पे आए थे ना, अभी 6:30 हो रहा है, मतलब 2.5 घंटा हम लोग इंजॉय किए। तो यहाँ पर अगर आप आते हो तो कम से कम 3 से 4 घंटे तो एंजॉय करोगे ही, पेट भरेगा नहीं वैसे आप लोगों का। तो ये इसकी टाइमिंग है 10 PM ना, क्लोज होने का 10 to 10। तो जब भी आना है यहाँ पे आप देख सकते हो कुवैत टावर, कुवैत सिटी से आओ चाहे कहीं भी आओ, किसी को बोलो हमें कुवैत टावर जाना है शार्क में, आ करके यहाँ पर 6 KD का टिकट है एडल्ट का, और चाइल्ड का आपको 3 KD का पड़ेगा। तो आ करके एंजॉय कीजिए, मज़ा आएगा आप लोगों को, फुल पैसा वसूल। यहाँ पर ना बच्चों के लिए वो देख रहे हो ना वो जगह है, और बड़ों के लिए ये है, इसमें फ्लो करता है और वो है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ एंजॉय फुल होगा। यहाँ पर आप बैठ सकते हो, आई थिंक सो क्यूट लग रहा है ना पूरा, यहाँ पर प्लास्टिक लगा हुआ है, गीला भी नहीं होगा, यहाँ पर आराम से आप बैठ करके एंजॉय कर सकते हो, जो भी खाना पीना लाया हो बैठ के खा सकते हो। और वहाँ पर शावर भी, आई थिंक शावर लेना है क्या, यहाँ पर शावर भी है, आप शावर ले सकते हो। तो निकलने का टाइम आ चुका है, सोचा कि आप लोगों को दिखा दूं। चलिए जी, फाइनली बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है, वाटर पार्क को बाय बाय, फाइनली निकल रहे हैं हम यहाँ से, अब मिलते हैं आप लोगों से बाहर, मेरा बैटरी ओपन वाला। ओके सर, ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से किसी और ब्लॉग में। आपको कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को कैसा ब्लॉग लगा कमेंट में बताना ज़रूर, जो जो लोग भी यहाँ से आकर के जा चुके हो भी कमेंट में बताइएगा, और फिर जो जो लोग भी यहाँ तक वीडियो देख लिए लाइक कर दीजिएगा, भूलना मत, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी सब बढ़िया, फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, सीमा।